नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय। हरि प्रेमियों, श्री भगवान ने चौथे अध्याय के 33वें और 34वें श्लोक में ज्ञान योग की श्रेष्ठता बताते हुए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरणा की। फिर ज्ञान की महिमा का वर्णन किया। उसके बाद फिर 5वें अध्याय के 16वें, 17वें और 24वें से 26वें श्लोक तक, 6ठे अध्याय के 24वें से 28वें श्लोक तक, 8वें अध्याय के 11वें से 13वें श्लोक तक निर्गुण और निराकार की उपासना का महत्व बताया। 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में साधक भक्त की महिमा बताई। 7वें अध्याय में 11वें अध्याय तक जगह जगह अहम माम आदि पदों द्वारा विशेष रूप से सगुण साकार एवं सगुण निराकार की उपासना का महत्व बताया गया। अंत में 11वें अध्याय के 54वें 55वें श्लोकों में अनन्य भक्ति की महिमा फल सहित उसके स्वरूप का वर्णन किया गया। आइए जानते हैं फिर भगवान की उपासना करने वाले और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले दोनों में से कौन से उपासक श्रेष्ठ है। इसी जिज्ञासा को लेकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया। अर्जुन बोले, जो भक्ति इस प्रकार 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के अनुसार निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों में उत्तम योग वेता कौन है? श्री भगवान बोले, मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। और जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके चिंतन में न आने वाले सब जगह है परिपूर्ण देखने में न आने वाले निर्विकार अचल ध्रुव अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र में हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। हे पार्थ, मुझ में अविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। तो मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर अर्पण करने में अपने को समर्थ नहीं मानता तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है तो मेरे लिए कर्म करने के प्रायण हो जा। मेरे लिए कर्मों का करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अगर मेरे योग समता के आश्रित हुआ तू इस पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी करने में अपने को असमर्थ पाता है तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित
और मित्र भाव वाला तथा दयालु भी और ममता रहित अहंकार रहित सुख दुख की प्राप्ति में सम क्षमाशील निरंतर संतुष्ट योगी शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। अर्जुन, जिसे कोई भी प्राणी उद्विग्न यानी शुद्ध नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष ईर्ष्या भय उद्वेग हलचल से रहित है वह मुझे प्रिय है। जो अपेक्षा आवश्यकता से रहित बाहर भीतर से पवित्र चतुर उदासीन व्यथा से रहित और सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी है वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जो ना तो कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है और जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ राग द्वेष रहित है वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम है और शीत उष्ण शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता तथा सुख दुख मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम है एवं आसक्ति रहित है और जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने न होने में संतुष्ट रहने के स्थान तथा शरीर में ममता आसक्ति से रहित हुआ और स्थिर बुद्धि वाला है वह भक्तिमान मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। परंतु जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे प्रायण हुए भक्त इस धर्म में अमृत का जैसा कहा है भली भांति सेवन करते हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय है। प्रेमियों, श्रीमद् भगवद गीता का द्वादश अध्याय समाप्त हुआ। हरि प्रेमियों, आपको यह अध्याय ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।